हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आई एम कार्तिक कपूर और आप देख रहे हो टेक्निकल ट्रिक डे। यहाँ पर आपको हर दिन एक नई वीडियो मिलती है, नई सुबह के साथ मिलती है। टेक्निकल यूट्यूब से नॉलेज और वीडियो मिल जाती है, वो भी प्रूफ के साथ मिलती है। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बात करना चाहूँगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हो, वो भी HD क्वालिटी में, वो भी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बनाता हूँ, खुद सीखता हूँ और आपको भी सिखाता हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप HD जो थंबनेल है वो कैसे बना सकते हो, उसके अंदर कौन से ऐप है और कौन से फीचर्स है, मैं अपनी थंबनेल कैसे बनाता हूँ, वो सारा इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको नॉलेज वाली वीडियो मिलती रहे। और गाइस, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस, मैं आप बता रहा हूँ आपको कि मैं आप जो थंबनेल बनाता हूँ खुद की, वो कैसे बनाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, मैं पिक्सल ऐप में ओपन कर लिया मैंने इसको। यहाँ पे बहुत सारे हमें फीचर्स मिल जाते हैं जिससे हम अपनी, जिसकी सहायता से हम अपना जो है थंबनेल बनाते हैं। और यहाँ पे मैं पिक्सल ऐप पर ही अपना जो है कि थंबनेल जो मैं बनाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना जो थंबनेल बनाना, उसका साइज़ जो हमें सेलेक्ट कर लेना। साइज़ कैसे सेलेक्ट करेंगे, उससे पहले हमें यहाँ पे जो है इसका जो ऊपर का वो था, इसे डिलीट कर देना। अब ये प्लेन हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 3D वाले पे क्लिक कर देना, इसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे न्यू टैक्स है, यहाँ से भी आप लिख सकते हो क्लिक करके। अदरवाइज़ आपको साइज़ पहले सेट कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे साइज़ पर मिल जाते हैं, थंबनेल बनाना, फेसबुक का आर्ट बनाना। तो यहाँ पे थंबनेल पे क्लिक करके मैंने सेव कर दिया इसे। तो गाइस, उसके बाद आपको काम करना है छोटा सा, इसे जो है आप इससे भी बना सकते हो, टैक्स लिख सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे ऊपर क्लिक डिलीट का डब्बा पर यहाँ से इसे डिलीट कर दिए। तो डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स पे क्लिक कर देना है, ए पे जाना है या सीधा यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना टैक्स लिख लेना है, जिसकी जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसे यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको इसमें बहुत सारे फॉन्ट भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ये वाला फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे साइड भी क्लिक करके इसे इसका साइज जो कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में हमें कलर भी मिल रहे हैं, जैसे कि कलर हमें यहाँ पे बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ये इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितना कलर चाहिए उतना कलर आप साइज़ रख सकते हो कलर का। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जो हमारा फॉन्ट है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और सेव कर दो। साथ साथ सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दें और यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर दें, जो आउटलाइन का साइज़ होता है वो यहाँ से बड़ा होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से टैक्स पे क्लिक करना है, इसे साइड क्लिक कर दें टैक्स पे क्लिक करने से पहले। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, सब्सक्राइब बढ़ाएं, व्यूज़ बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, ये सारा आप लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से इसे सेट कर लें। उसके बाद कलर देंगे हम फिर से इसको, ब्लैक कलर देंगे या रेड कलर दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कलर हमें फिर से मिल जाते हैं। यहाँ से सेव कर देना, सेव करना साथ साथ सेव कर देना गाइस, वो भी ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसे ऑन कर दो तो फिर से बैकग्राउंड जो हमें मिल जाता है। तो उससे पहले हमारा जो लिखा हुआ था वो ब्लर हो गया, इसे ऑन करने के बाद यहीं पे करना है जो हमें कलर है वो दिखने लगेगा, क्योंकि जो हमारा वर्डिंग थी वो ब्लैक थी, हमने उसके आउटलाइन देके वाइट उसका दिखने योग्य कर दिया। अब यहाँ से ये दिखेगा अच्छे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इसका जो है 3D में कर सकते हैं आप, इसका कलरिंग कर सकते हैं अंदर से। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करके फोकोन साइज़ है इसका, मैं जो फॉन्ट वो चेंज कर दूँगा। इसको फॉन्ट जो फोकोन फॉन्ट है वो आपको डाउनलोड कैसे करना मैं आप बता दूँगा, मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको चाहिए, या मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ अभी। तो ये देखिए, ये मैंने अपना जो इसके ऊपर क्लिक कर करके इसको जहाँ पर इसकी सेटिंग अच्छी लगती है वहाँ पर हम इसे सेट कर लेंगे। तो ये गाइज हमारा जो है
इजीली सेट हो चुका है। अभी कुछ नहीं करना हमें, अभी करना है हमें पिक लगाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के लिए हमें साइड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन होता है, उसके बाद ओपन करने के बाद क्लिक कर दे और अपने जी गैलरी में से पिक आपकी निकल आएगी। उसके बाद यहाँ पे रेज पे क्लिक कर देना है। रेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा दी, यहाँ से और यहाँ से। साइज बढ़ाने के बाद यहाँ से इसको हम कटिंग करना शुरू कर देंगे। ये जो वाइट वाला है ना, आपको इसके ऊपर थंब रखना है। ये थंब पे क्लिक, वाइट पे क्लिक करोगे तभी, उसके बाद थंबनेल रख लिए वहाँ पे, अपना फिंगर रख ले, उसे यहाँ से इजीली कट कर ले। तो कट करने के बाद सेव कर दें। सेव करने के बाद जो बैकग्राउंड है वो कट जाएगा पिक का। यहाँ से देखिए फिर से हमें इसकी आउटलाइन मिल जाती है। तो गाइस ये हमारी जो थंबनेल है वो रेडी हो चुकी है HD में। यहाँ से हम इसे सेव कर लेंगे।